हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं हम जब भी कुछ खाते हैं तो उसको एंजॉय के साथ खाते हैं, आनंद के साथ खाते हैं, टेस्ट के साथ खाते हैं। तो जब टेस्ट के साथ खाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करना चाहिए जिसके साथ हम उसको कुछ अलग अंदाज में बोल सकें। तो चलिए सीखते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और डेफिनेटली अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ रेलिश, है ना। एक नया सा वर्ड है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो सिंपल सेंटेंस बनेंगे, जब भी आप किसी चीज़ को खाने पीने की एंजॉय करते हैं, मतलब उसमें खो जाते हैं, तो उस तरीके के सेंटेंस बोला जाता है, जैसे कि आई रेलिश। और डायरेक्ट उस वर्ड को लगा सकते हैं, उस डिश को लगा सकते हैं जो हम खाने पीने में एंजॉय करते हैं। और अगर आपको इसमें एक्शन का यूज़ करना है तो आई रेलिश, और रेलिश के साथ हमेशा हैविंग का यूज़ किया जाता है। आई रेलिश हैविंग मतलब खाने पीने की चीज़ को इन्जॉय करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम तो दो तरीके से, या तो डायरेक्ट उस विश वर्ड को लगा दो, या डायरेक्ट आप हैविंग के साथ लगा दो। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं कुछ खाने पीने की चीज़ों के नेम, तो बस उनके साथ बोल के देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इनको। तो सबसे पहले मैंने वर्ड दिया है वाटर बॉल्स, यानी कि गोलगप्पे। आई थिंक सभी को गोलगप्पे खाना बहुत पसंद होता है। तो चलिए बोल के देखते हैं कैसे बोलेंगे। आई रेलिश वाटर बॉल्स, क्या बोला जाएगा? आई रेलिश वाटर बॉल्स। लेकिन इसमें भी बोल सकते हैं आई रेलिश हैविंग वाटर बॉल्स। तो दोनों तरीके यूज कर सकते हो आप। उसके बाद सेकंड वर्ड है फ्रिटर्स। फ्रिटर्स माने होते हैं पकौड़े। बरसात का मौसम हो तो पकौड़े का एक आनंद ही अलग होता है। तो आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश फ्रिटर्स, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश हैविंग फ्रिटर्स। थर्ड वर्ड इज पफ। पफ माने पेटीज वगैरह होती है। आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश पफ, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश हैविंग पफ। अनदर वर्ड इज हियर फनल केक। आई थिंक जलेबी तो आप सभी ने खाई होगी। तो आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश फनल केक, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश हैविंग फनल केक। अनदर वर्ड इज राउंड स्वीट, यानी कि अनदर जलेबी। जलेबी को राउंड स्वीट भी बोला जा सकता है, या और भी जो मिठाइयाँ होती हैं और जो गोल शेप में होती हैं उनको राउंड स्वीट में बोला जाता है। तो आप बोल सकते हो आई रेलिश राउंड स्वीट, या फिर आप बोल सकते हो आई रेलिश हैविंग राउंड स्वीट। एंड द रिसोल, समोसे तो सभी ने खाए होंगे, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो आई रेलिश रिसोल, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो आई रेलिश हैविंग रिसोल। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम खाने पीने की चीज़ों को रेलिश के साथ बोल सकते हैं। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दाल बाटी बहुत पसंद है, और बोला जाएगा आई रेलिश हैविंग दाल बाटी विद चूरमा। तो ये तो मेरी पसंद हो गई। अब आपकी क्या पसंद है? तो बस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी पसंदीदा डिश को डेफिनेटली जरूर बताएं, ठीक है। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो आगे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।